सबको दिक्कत होता है कि बाहर आने से पार हो नहीं जाता है, नाव डूब जाता है। सर ये पुल तो समझिए बन जाने से खास करके इस एरिया के गांव वाले के लिए समझिए एक प्रकार का एक नया युग आ जाएगा। अभी समझ रहे हैं 120 रुपया लीटर डीजल हो गया, कितना दूर से घूम के जा रहे थे कितना डीजल हमका जल रहा है। प्रशासन के कारण में जो जू नहीं रेग रही थी, आज़ादी के 70 साल के बाद जो बगुआ पुल बनना चाहिए था वो पुल नहीं बना था। अब कुछ कार्रवाई और कुछ हलचल तेज हुई है। बगुआ पुल की मांग और ज़रूरत आज़ादी के बाद से ही है, लेकिन सरकार ने कभी इधर ध्यान नहीं दिया, हमें हमेशा हाशिए में रखा है। अगर ये पुल बन जाती है तो बस हमको 4 किलोमीटर ही तय करना होगा। तो उंगली पकड़ के मेरा दादा मेरा बाप चला करते थे, बोले बगुआ पुल बोले वहाँ बनते गड़े वहाँ पास हल ऐसा बोलता था पास हल। आज यहाँ जो खड़े हैं बगुआ पुल के पास, क्या कारण है आज आप लोग क्यों आए? देखिए विरासत से तय नहीं होते हैं सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगा आसमान किसका है। एक लंबी संघर्ष के बाद अब कुछ हलचल प्रशासन में लग रहा है कि बगुआ पुल जो है बनने जा रहा है, और ये लगातार हम लोगों का संघर्ष है कि आज लगभग हम लोग 5 साल से पूरा जो हमारे साथी है और आज हम लोग लगातार आंदोलन के लिए इस पुल के निर्माण के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। अभी हाल में हमने सीमांचल संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक ऐतिहासिक आंदोलन किया और उसका असर यह हुआ कि अब प्रशासन के कान में जो जू नहीं रेग रही थी, आज़ादी के 70 साल के बाद जो बगुआ पुल बनना चाहिए था वो पुल नहीं बना था। अब कुछ कार्रवाई और कुछ हलचल तेज हुई है कि बगुआ पुल का निर्माण अब बहुत जल्द जो शुरू होने वाला है। प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है बगुआ पुल का? देखिए अभी हमने आज RWD के JE साहब से हमने बात किया, उनके आश्वासन के अनुसार उनका कहना है कि इस 20 तारीख से पहले या 20 तारीख तक यहाँ का जो है काम शुरू हो जाएगा निर्माण का काम, और उसका आश्वासन यही है। फिर भी हम डेडलाइन उनको दिए हुए हैं कि अगर काम शुरू नहीं होता है तो हमारा जो आंदोलन है वो आंदोलन रुका नहीं था, वो हमारा आंदोलन ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में में बदल जाएगा और मेरा आंदोलन लगातार चलते रहेगा। लेकिन इसका आश्वासन को मान रहे हैं हम लोग कि नहीं काम चालू हो जाएगा 20 मई तक, और इसको देखते हुए हमने अपना आंदोलन अभी तक स्थगित किया हुआ है। और शासन प्रशासन से हमारा ये मांग है कि जो बगुआ पुल है, ये बगुआ पुल हमारे इलाके का, ये 12 पंचायत का और नहीं बल्कि पूरे बारसू अनुमंडल का एक लाइफ लाइन है, और ये सीधा ये जो हमारा 12 पंचायत है कदुआ का, ये सीधा जुड़ेगा बंगाल से, सीधा जुड़ जाएगा हमारा पूर्णिया अनुमंडल कमिश्नरी हेडक्वार्टर से, और हमारा ये इलाके के लोगों के अंदर खुशहाली आ जाएगी, यहाँ का जो बिजनेस का मामला है बिजनेस में ग्रोथ आएगा, स्वास्थ्य के मामले को लेकर के जो दिक्कत हो रहा है मरीजों को लेकर जाने में बारसू अनुमंडल अस्पताल जाने में या सदर अस्पताल कटिहार जाने में उसमें सुविधा आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह होगी कि हज़ारों लोग आज इधर से पर डे क्रॉस करते हैं, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्या लगता है आप लोगों की बनेगा ये पुल जैसे कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? देखिए बगुआ पुल की मांग और ज़रूरत आज़ादी के बाद से ही है, लेकिन सरकार ने कभी इधर ध्यान नहीं दिया, हमें हमेशा हाशिए में रखा है। एक तो हम सीमांचल क्षेत्र के वासी हैं तो हम हमेशा हाशिए में पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, तो कभी आज़ादी के बाद से ही सरकार ने कभी इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। बगुआ पुल की मांग इस इलाके के लिए, बगुआ पुल की मांग और ज़रूरत आज़ादी के बाद से ही है, लेकिन जब यहाँ की सरकार ने और यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, विधायक और सांसद MLC जो भी होते उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो पिछले कई 4-5 सालों से हमने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के ने काफ़ी संघर्ष शुरू किया, और रमज़ान से ठीक पहले 31 मार्च को एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन लिया गया, वो सांकेतिक नहीं था बल्कि एक आंदोलन का शक्ल इख्तियार कर लिया था, जिसमें पूर्व विधायक सिद्दीक MLA साहब वो भी मौजूद थे, पूर्व शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो जी भी आए थे, और काफ़ी पूरा जनसैलाब का समर्थन रहा। वहाँ हमने एक निर्णय लिया बल्कि एक डिसाइड कर लिया, एक अहद किया था कि ये जो है फौरी तौर पर रमज़ान के मद्देनज़र रखते हुए ये स्थगित किया जा रहा, लेकिन ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी है जब तक आंदोलन की वजह से अब मानते जी उसका पॉजिटिव रिजल्ट है।
उस आंदोलन के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि अप्रैल के पहले हफ्ते में काम चालू हो जाएगा, लेकिन अप्रैल के पहले हफ्ते में भी चालू नहीं होगा तो हमने मालूम करना चाहा, जानना चाहा कि ये कहाँ तक पहुँचा। हम लगातार ये सीमांचल संघर्ष में कोशिश कर रहा है प्रशासनिक स्तर से अपनी कोशिशों के जरिए कि पुल जल्द से जल्द, अब कुछ सरगर्मी शुरू हुआ है और यहाँ तक जानकारी है। और जैसे कि डॉक्टर साहब जी इंजीनियर साहब से बात किए हैं, RWD के इंजीनियर जो है बारसो अनुमंडल स्तर के, तो उनसे बात भी हुई है और कल शायद जो जिन ठेकेदार को अलॉट हुआ है वो सर्वे करने के लिए भी आ रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव और इत्मीनान वाली बात है कि अब शुरू होने वाला है, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम पीछा नहीं छोड़ेंगे इसका। तो बताइए आज यहाँ खड़े होने की वजह क्या है आप लोगों की और क्या निर्णय ले रहे हैं आप लोग? देखिए हम लोग जो 31 तारीख को धरना दिए थे उसमें काफ़ी सफलता मिली थी, उसके बाद जो है हम लोग जो है रमज़ान के कारण इसको स्थगित कर दिए थे। उसके बाद जो है एक पेपर आया था तो उसमें अप्रैल का डेडलाइन दिया था, जब वो डेडलाइन ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने जो अभी प्रतिनिधि है शकील साहब के पीए से बात किया, उसने बोला कि ये जो है जेई का मतलब RW जो विभाग है उसका ये था, लेकिन उसने कोई कुछ किया नहीं। फिर मैंने क्या किया, इसका RTI लगाया, तो RTI जो लगाया तो RTI से पता चला कि एक माह के अंदर काम चालू होंगे। RTI से हमको खुद इन्फॉर्मेशन है कितना का योजना है क्या ये चीज़, तो RTI जो हम जो मतलब हम तो अपने थ्रू नहीं दिए थे, दूसरे के थ्रू दिए थे, वो सिर्फ इतना ही हमको बताया था कि एक माह के अंदर काम शुरू होगा होने की सब। हाँ तो हम उससे बात किए थे फिर, तो वो बोला था कि हम इस मुद्दे को जनता दरबार में भी ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते हैं अगर इस बीच अगर काम शुरू हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगला जो हम लोग का ये है जनता दरबार में ये मुद्दा लेके जाएंगे हम लोग। नाम बताइए अपना। हमारा नाम नज़ीर आलम। नज़ीर आलम क्या करते हैं? पूरा व्यवसाय करते हैं। क्या चीज़ का व्यवसाय? बकरी उकड़ी का व्यवसाय करते हैं। तो क्या जब पानी जब आ जाता होगा तो बकरी इधर उधर करने में दिक्कत होती है? दिक्कत होती है। तो क्या सोच रहे हैं? सबको दिक्कत होता है कि बाढ़ आने से पार हो नहीं जाता है, नाव डूब जाता है। अच्छा, नाव नहीं मिलता है। आप लोग का ये जो है पुल इसका समस्या अब खत्म होने वाला है यानी बनने वाला है, तो आप लोग कितना खुश है? हाँ आप लोग कितना खुश है अभी जो पुल? हम लोग बहुत खुश है, अभी बहुत खुश है, बहुत खुश है। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर नज़र है। क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं। यहाँ का स्थानीय निवासी हैं? जी बिल्कुल स्थानीय निवासी हैं। अच्छा, ये पुल बनने वाला है ऐसा जेई साहब के द्वारा कहा गया है, तो क्या आपके दिल में क्या जज्बात है, क्या खुश हैं, किस तरह से खुशी जाहिर करना चाहेंगे? जी सुन के तो बहुत खुशी हुई कि यहाँ अगर पुल बन जाए तो बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सर जब बाढ़ पानी के टाइम आते तो बहुत क्या कहता दिक्कत होती है। जैसे हमारा बारसोई जाना हुआ, बारसोई में हॉस्पिटल है सरकारी, उसके बाद हमको इधर 4 किलोमीटर दूर है, और अगर यहीं अगर पुल बन जाती है तो आसान हो जाता है जाने के लिए, और यहाँ पुल नहीं होने की वजह से हमको काफ़ी क्या कहता लंबाई का रास्ता तय करना पड़ता है। जो इस मतलब जिसको घूम के जाना पड़ता होगा कम से कम 12-13 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का दायरा तो है सर इधर से इस इलाके का। जी सारे स्टूडेंट वैसे पढ़ने जाते हैं। जी और अगर ये पुल बन जाती है तो बस हमको 4 किलोमीटर ही तय करना होगा। अच्छा, 4 किलोमीटर कहाँ जाने के लिए तय करना? बारसोई जाने के लिए। जी पढ़ने के लिए? जी पढ़ने के लिए, और जैसे क्या कहता है डॉक्टर के यहाँ जाना है, इमरजेंसी क्या कहता पेशेंट हो गया, कोई ऑफिशियली काम हो गया, ये सब काम के लिए सर अगर पुल बन जाता तो बहुत बहुत क्या कहता सरकार का धन्यवाद होगी। और सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद है तो हम डॉक्टर MR साहब का क्या कहता शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने क्या कहता एक क्या कहता संगठन की और उसमें इसमें लगे रहा, और हम सबको तो लग रहा है जो डॉक्टर MR साहब की वजह से हम सबको क्या कहता सफलता मिलेगी। बताइए आप किस तरह जज्बात जाहिर करना चाहेंगे इस पुल को बनने के? जी इस पुल को बनने के लिए जज्बात जाहिर तो हम करना चाहेंगे कि हम लोग काफ़ी 5-7 साल से डॉक्टर MR साहब को हम लोग लेकर के जुड़े हुए हैं इस संघर्ष में सीमांचल बैनर तले, और काफ़ी हम लोग इस मुद्दा को उठाए हैं बार बार, कई बार हम लोग हल्ला किए इस बात को लेकर के। और अभी कुछ दिन पहले ईद के पहले हम लोग काफ़ी बहुत बड़ा ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन दिए इस सुदूर देहात क्षेत्र में, कि इतना बड़ा धरना आंदोलन हम लोग खड़ा किए थे ईद से पहले। लोग देखा सोशल मीडिया में, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है हम लोगों को कि ये बघुआ पुल आखिर है कहाँ, कि इतना बड़ा धरना MLA मंत्री वहाँ पर सब पधारे हुए हैं, तो हम लोगों को लोग देख रहा है। तो वाकई में इसी आंदोलन का जो झटका जो हमारा सरकार को लगा होगा उसको महसूस हो रहा होगा कि ये पुल अदना सा पुल है, और इस पुल के लोग बार बार धरना करते हैं, बार बार फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर में डालते हैं, तो आखिर ये पुल हम क्यों नहीं बना पा रहे, हमारे अंदर काबिलियत है कि नहीं नेतागिरी निभाने का, क्षमता है कि नहीं है, क्यों हम सरकार बने हैं, किस लिए सरकार बने हैं, किस कारण से सरकार बने हैं। हमको शर्म सरकार बनने के बाद हमको शर्म आ रही है कि बघुआ पुल का मामला बार बार डॉक्टर MR साहब जाकर के हल्ला करते हैं, बार बार हल्ला करते हैं, तो आखिर हम सरकार में क्यों है, हमको तो त्याग दे देना चाहिए, हमको शर्म आ रही है। पूरे हिंदुस्तान में पुल नहीं बनती क्या? पूरे हिंदुस्तान में नहीं बनती है तो बता दिया लिख के कहीं नहीं पुल बनती है,
तो हम लोग धरना देना छोड़ देंगे, भूख हड़ताल करना छोड़ देंगे। तो आप सरकार में हैं तो आपको काबिलियत दिखाना होगा, आपको कलम के अंदर पावर दिखाना होगा, आपको जज्बात दिखाना होगा। अरे भाई क्यों ये मजदूर आदमी इस तरह के मामला जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, लोग आओ जाओ, फिर जमाओ, हल्ला करो, फिर भूख हड़ताल में बैठो, ना जाने कितने लोग तकलीफ उठाते हैं इस पुल के लिए। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको एहसास होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए कि जनता आपको वोट देकर जिताती है। आप सरकार बनते हैं इसी के वोट का सहारे से आप कुर्सी पाते हैं और इसी को आप धुतकारते हैं, ललकारते हैं। आपके ऊपर तो आपको तो खुद महसूस होनी चाहिए इस बात को। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग को पता चल रहा है कि अब ये पुल बनने वाला है, तो कितना संघर्ष लगा इस पुल को मतलब बनने में? इस पुल को बनने में संघर्ष तो हम लोग को बहुत दिन से लगा है। लगभग हम लोग अगर याद करेंगे बाप दादा के टाइम से तो 70-72 साल हो गया। बाप दादा जब हम लोग उंगली पकड़ के मेरा दादा मेरा बाप चलाया करते थे, बोले बघुआ पुल बोले वहाँ बनते गड़े वहाँ पास हल जेक, ऐसा बोलता था पास हल जेक। तक वहाँ जो कागज सर रहे वहाँ पास है, कुंडा टेबिल जब पास है अपना टेबिल उखना नहीं जानो। आप हमारा टेबिल तो कहाँ जी पटना कहाँ हेडक्वार्टर से, बारसो अनुमंडल कहाँ से, कटिहार डीएम कहाँ से, इला सब हमारा ऑफिस बेरात रहे जी। कभी डीएम 8 घंटा खड़ा कर दी, कभी एसडीओ साहब 8 घंटा खड़ा कर दी, कभी कदवा बोलोगे 10 घंटा बी डी ओ साहब खड़ा कर दी। तो हमारा खुद अब टेबिल बेरा जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलवर हुसैन हुआ। इस गाँव के हम समाजसेवी हैं, सीमांचल संघर्ष मोर्चा का उसमें सदस्य हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। एमडी मुबस्सिर। एमडी मुबस्सिर जी। तो अभी ट्रैक्टर लेके कहाँ से आ रहे हैं आप? बघुआ से आ रहे हैं जी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मखे लाने के लिए जा रहे थे। मखे लाने के कहाँ जा रहे हैं? लद्दी का उस पार। लद्दी के उस पार जी। तो ट्रैक्टर लेके आप लोग आना जाना करते हैं जी। अभी जैसे मान लिया जाए पानी थोड़ा कम है जी, बहुत दिक्कत हो रहा है, लग रहा है कभी कभी ट्रैक्टर बहुत दिक्कत हो रहा है उठाने में जी, बहुत बार फंसा हुआ है जी। कितने लोग हैं जो उस पार से लेकर मतलब जो भी होता है मकई वगैरह गेहूं? बहुत लोग हैं हमारे यहाँ, समझ गए, पूरा गाँव का ही मकई उस पार है, गाड़ी आने जाने में बहुत तकलीफ होता है जी। पुल बन जाने से आप लोगों को कितना फायदा? बहुत अच्छा होगा, बहुत जी। हम लोग जब हटिया जा रहे हैं ना, हम लोग को बहुत दूर से बारसो होते घूम के हम लोग को जाना पड़ता है, अभी यहाँ ब्रिज बन जाते हैं हम लोग को इतना घूमना नहीं पड़ता, बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। अभी समझ रहे हैं 120 रुपया लीटर डीजल हो गया है, इतना दूर से घूम के जा रहे तो कितना डीजल हम लोग का जल रहा है, उधर से जा रहे तो बहुत अच्छा होता। मान लीजिए अभी 20-30 रुपये का इफेक्ट पड़ गया है हम लोग को, इधर से घूम के जाते तो एक लीटर में हम लोग को 30 रुपया इफेक्ट पड़ता है, अभी अगर इधर से जाते तो हम लोग को 70-80 पड़ जाता। बहुत जलता है, ज़्यादा 2-3 लीटर ज़्यादा जलता है, ऐसे कि 4 लीटर हम लोग का डीजल पीता तो ऐसे 6-7 लीटर पी जाता है सब कादा में, जिस दिन फंस गया तो पूरा टंकी ही साफ हो जाता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सतीश कुमार मंडल है सर। इधर कहाँ जा रहे हैं आप? इधर जा नहीं रहे हम, मेरा घर रघुनाथपुर बारसोई रघुनाथपुर हुआ, और हम इस गाँव से मोटा मोटी 20-25 साल से जुड़े हुए हैं, इस एरिया से 20-25 साल से जुड़े हैं। छोटे मोटे दुकानदार जो थे उन लोग को जो असुविधा होता है सामान लाने में, वो ला करके हम मार्केट से परचेज करके इन लोग को दे देते हैं, यही काम है मेरा सर। अच्छा, ये जो पुल नहीं बना है अभी तक, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और जो है कि कितना दिक्कत होता है? सर ये पुल तो समझिए बन जाने से खास करके इस एरिया के गाँव वाले के लिए समझिए एक प्रकार का एक नया युग आ जाएगा। अगर ये पुल बन जाती है तो ये गांव वाली के और इस क्षेत्र के लिए नया युग आ जाएगा। कारण कि जी हम तो इसी माने जब इस नदी में पूरा मतलब पानी भर जाता है तब क्या? हाँ उस समय सर, उस समय काफ़ी कठिनाई से आना पड़ता है, नाव छोटा रहता है, उस पर 10 आदमी सवार होता है, बाइक को चढ़ाते हैं, सामान को चढ़ाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी पानी में भी गिर जाते हैं, और गिरने के पश्चात जो है छोटा छोटा बच्चा वो डर भी लगता है। एक बार तो आ रहे थे तो मैंने नाव पलट गया, बच्चा सब गिर गया, तो उसको हम अपना सामान छोड़ के निकाले, मैंने 2-3 साल पहले की बात है। एक बार घटना भी हुआ था सर, होते रहता है, तो बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है सर, ये जो है ना मैंने आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। अच्छा, ये एक चीज़ ये है कि जैसे कि पता चला कि मतलब ये पुल अब बनने जा रहा है, तो आपको कितना खुशी हो रहा है कि ये पुल बने? सर ये हम मोटा मोटी 1 साल से ना 6 महीना से सुन रहे हैं कि इसका शिलान्यास हो गया है, बनेगा। उसी समय से मैंने अंदर में एक अजीब तरह का खुशी महसूस होता है। देखिए कोई भी चीज़ नया चीज़ बनता है तो आदमी को खुशी होती है, वही चीज़ में हमको भी खुशी हो रही थी। और उतना कठिनाई से आते हैं, सामान का रेट मार्केट है यहाँ
हटिया लगता है, हाँ गाँव घर का हटिया जो है काफ़ी प्रचलित था पहले, बहुत फेमस हटिया था ये यहाँ, लेकिन यही सब कारण के वजह से, हाँ यही सब कारण के वजह से छोटा छोटा व्यापारी जो है आने में कठिनाई महसूस होती है ये नदी के वजह से बरसात में, ताकि हटिया उठ के चला गया आगे, नहीं तो ये हटिया से बहुत गरीब आदमी का जीवोपार्जन होती थी, लेकिन ये नदी और रोड बन जाने से काफ़ी गरीब दुखिया को आश्वासन दे के हाँ खाली खुश किया जाता है। जी जी लेकिन हाँ जी लेकिन खुशी कम्प्लीट नहीं हो पाता, लेकिन उम्मीद है बनेगा, अब देखते हैं आप लोग हैं, ठीक यही बात है।